हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा तो अभी हमें जो उसका रीडिंग एंड कंप्यूट स्किल्स का एक टॉपिक रह गया था दैट इज़ वर्ड रिकॉग्निशन मैं उसको भी कंप्लीट कर देती हूँ वर्ड रिकॉग्निशन क्या होता है हाँ स्टूडेंट्स अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी अभी हम डिस्कस करते हैं वर्ड रिकॉग्निशन वर्ड रिकॉग्निशन क्या होता है कि ये एक एबिलिटी होती है कि आप किस तरह से वर्ड को रीड करते हो ठीक है रिकोगनाइज करते हो वर्ड रेफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रीड एंड एनालाइज द मीनिंग अटैच टू द वर्ड कि जो भी आप वर्ड पढ़ रहे हो उसका क्या मीनिंग निकलता है किस तरह से आप उसको रिकोगनाइज करते हो ठीक है सो इट इज़ अ इट इज़ अ बेसिक फाउंडेशन स्किल इन रीडिंग अपॉन विच लर्निंग ऑफ एडवांस्ड रीडिंग स्किल्स डिपेंड्स इसके ऊपर ही सारी की सारी एडवांस जो रीडिंग स्किल्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं ओके okay, अब हम इसके एक एग्जाम्पल भी लेंगे पहले मैं इसको बता देती हूँ कि इसको हम टू फोल्ड प्रोसेस होता है ये एक जिसमें कि आप इंक्लूड करते हो कि जो वर्ड लिखा हुआ है आप इसको प्रनाउंसियश कैसे करते हो और एक होता है कि आप जब वो वर्ड किसी और अल्फ़ाबेट के साथ मिलकर किस तरह से दूसरा मीनिंग निकालता है या फिर आप जब उस वर्ड को बोलते हो ठीक है तब उसको बोलने के बाद उसको मीनिंग समझते हो जैसे कि ओ एन ई एक तो होता है वन ठीक है एक साथ में जब आपने बी लगा दिया तो बी ओ एन ई दैट इज़ द बोन तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं कि आप एक इंडिविजुअल वर्ड को कैसे समझ रहे हो और जब वो कंपैरिजन जब वो किसी और वर्ड के साथ में जुड़ जाता है तब आप उसका मीनिंग क्या रिकोगनाइज़ करते हो ठीक है अब इन वर्ड रिकोग को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए टीचर्स क्या करते हैं कुछ फैमिलीज़ का यूज़ करते हैं जैसे कि एट फैमिली बी ए टी बैट सी ए टी कैट ठीक है ताकि कि बच्चों को बोलना आ सके समझ में आ सके और वो वर्ड्स जो लिखे होते हैं उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकें ठीक है अब जैसे कि एन फैमिली बैन कैन फैन एंड वन फैमिली लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि ओ एन ई वन होता है बट जब वो किसी वर्ड के साथ मिल जाता है तो उसका मीनिंग डिफरेंट निकलता है जैसे कि बी ओ एन ई बोन सी ओ एन ई कौन जी ओ एन ई गोन डी ओ एन ई डन और डॉन जो भी आप बोलना चाहते हो सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये वर्ड को रिकोगनाइज़ कैसे करना है उसके लिए टीचर्स एक फैमिलीज का यूज़ करते हैं ठीक है थीके? अब कोई पर्सन ऐसा भी है जो कि बहुत ही फ्लुएंटली बोल लेता है उसको एक एक वर्ड की जैसे कि बी ओ एन ई -E को बी ओ बो न बोन ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है वो बहुत ही फ्लुएंटली वर्ड को देखते ही बोल लेते हैं बट जब कुछ वर्ड बहुत बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है उनको रिकोगनाइज़ करने के लिए हम हाँ चाहे तो अपने मन में बोलें या मतलब बोलकर बोलें कि बी कोई भी वर्ड है उसका एक एक सिंगल साउंड बोल के फिर इसको विद कम्बिनेशन बोलते हैं अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ली है बर्स्ट की अब देखो ये जिस वर्ड है बर्स्ट इसको अगर इसको हम ब्रस्ट भी बोल सकते हैं बर्स्ट भी बोल सकते हैं तो आप एक बार सोचोगे अपने मन में जरूर इसका जो साउंड बनता है उसको आप देखते हो कि इसका साउंड किस तरह से बोला जाएगा इसको किस तरह से प्रोनसीएट किया जाएगा बर्स्ट ठीक है तो ये होता है वर्ड रिकोगनाइज़ करना कि आप किस तरह से वर्ड्स को रिकोगनाइज करते हो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा आई विल ट्राई टू क्लियर दैट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन uh, बेल को प्रेस जरूर कर देना तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी लाइक और शेयर जरूर कर देना थैंक यू थैंक यू सो मच